बहुत बड़े वाले फैन है। क्या बहुत बड़े वाले फैन है? अच्छा, बहुत बड़े फैन है। हाँ है। देखिए भाई, एक मुसलमान लड़का मिल गया जो योगी जी की फैन बता रहा है। अभी बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। देखिए भाई, बच्चे शर्मा, योगी जी का आज आगमन हो रहा है, उसी में हम लोग आए। योगी जी क्या देने आए हैं आज कन्हैया के लिए? क्या कुछ दिए हैं 5 सालों में? कुछ दिए उन्होंने, बहुत। अच्छा, एक काम गिनवा दीजिए। अभी बनवाएंगे या कब तक बनेगा? अब जब तक बन, योगी जी को देखने, योगी जी को देखने, योगी जी को देखने आए हैं उत्तर प्रदेश के। योगी जी, योगी जी और कुछ लोग हमें मिल गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। प्रोग्राम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात। नमस्कार, मैं अमित कुमार, आप देख रहे हैं टीवी समाचार की टीम इस वक्त देवरिया के GIC स्कूल में मौजूद है। और हमारे पीछे थोड़ा दिखा दीजिए सर, कैमरा मैन हमारे पीछे उत्तर प्रदेश के माननीय योगी आदित्यनाथ जी आए हुए हैं। और पीछे देख रहे हैं कि तमाम लोग आए हैं उन्हें देखने के लिए। और कुछ लोग हमें मिल गए हैं रिपोर्टिंग करने के लिए। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम आम रिपोर्टरों की तरह नहीं है, हम सबसे हट के काम करते हैं, जमीनी स्थल पे काम करते हैं। हमारे साथ एक व्यक्ति मिल गए हैं, क्या नाम है भाई साहब? जोगेश्वर उपाध्याय। अच्छा उपाध्याय जी, यहाँ क्या करने आए हैं? आए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिले के लिए बहुत बड़ी सौगात दी है, तो हमको खुशी है। और यह हम जो है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के स्वागत में आए हैं। क्या क्या मिलने वाला है आप? देखिए, अपना देश, अपना जिला, अपना प्रदेश, अपना गाँव, सब अपना है। अगर माननीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय हमको रोड देंगे, बिजली देंगे, स्वास्थ्य देंगे, शिक्षा देंगे, तो सब ही है, मेरे जनता का है, मेरे देश का है, तो उसमें सब लोग समाहित है। और 25 करोड़ जनता उत्तर प्रदेश का, कहीं भी देंगे तो हमको मिलेगा। विपक्षी दल तो कह रहे हैं कि अभी तक रोड नहीं बना, तमाम ऐसे मुद्दा है जिसे विपक्षी लोग भाजपा को घेरते रहते। देखिए, विपक्षी का काम है विरोध करना, और वो अपने आदर्श से मजबूर है। खटमल को हम अगर दूध की व्यवस्था करेंगे तो दूध तो पिएगा नहीं, वो जब भी पिएगा तो खून पिएगा। तो कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा होती है, भगवान राम को लोगों ने देश निकाला, किया गांधी को ऐसा हुआ, तो इस तरह से पंडित दीनदयाल उपाध्याय को लोगों ने ट्रेन से फेंक दिया। तो विरोध करने वालों को कोई मतलब नहीं होता, विरोध सार्थक होना चाहिए। योगी बाबा यहाँ आने का मुख्य कारण विपक्षी ये भी कह रहे हैं कि भाई चुनाव को लेकर आए, नगर पालिका का चुनाव आ गया है, नगर निकाय चुनाव है और सामने 2024 में लोकसभा चुनाव है, इसको लेकर यहाँ माहौल बनाने हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि माननीय मुख्यमंत्री जी नगर पालिका चुनाव के लिए आए हैं और लोकसभा के चुनाव के लिए आए, जनपद देवरिया को जनता को सौगात देने के लिए आए हैं। अब राजनीतिक पार्टी तो चुनाव को तो अपना काम करवे ही करेगी, ऐसा तो है नहीं कि राजनीति में चुनाव मतलब नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में चुनाव का भी उतना ही कीमत है जितना जनता जितना उतना जितना आपका सबका अहमियत है। तो हर माननीय मुख्यमंत्री जी सभी अहमियत को देखते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी को निगलेक्ट करते हैं, सबको सब स्तर को देखते हैं जी। ये लड़का है, थोड़ा लड़का है, बाबू क्या नाम है तुम्हारा? साहिल नाम है। साहिल नाम है। साहिल बाबू कहाँ आए? कहाँ पे आए? योगी जी को देखने आए। योगी जी को देखने आए? योगी जी को देखे नहीं है? योगी जी देखे हैं, बहुत ज्यादा दिन हो गया था, बहुत ज्यादा दिन हो गया। ये देवरिया के बच्चे हैं, बहुत बड़े वाले फैन है। क्या बहुत बड़े वाले फैन है? अच्छा, बहुत बड़े फैन है। लोग तो मुसलमान लोग कहते हैं कि भाई योगी जी विरोधी है, मुसलमान विरोधी। अब भाई उन लोग को जो फायदा मिलेगा वो बोलेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है। वो जो बताइए बताइए क्या उन लोग को जो बोलना है बोलेंगे। हम फैन है भाई, हम जानते हैं, बस फैन है, बस योगी जी के फैन है। हाँ है। देखिए भाई, एक मुसलमान लड़का मिल गया जो योगी जी की फैन बता रहा है। चलो बाबू, और योगी जी की क्या क्या काम पसंद है? कौन सी काम पसंद है योगी जी की मालूम है? उदय, कौन से काम के साथ सुनील कुमार मणि? अभी बाद में बताएंगे, बाद में बताएंगे। देखिए भाई, बच्चे शर्मा रहे हैं। बाबू क्या नाम है इस लड़के को? दीजिए, आइए आइए आइए, इधर आइए। ये लड़का जो है, बच्चे भाग रहे हैं थोड़ा। आप लोग का क्या नाम है? शिवानी शिलुपकार। कहाँ आई हैं? यह योगी जी का आगमन, योगी जी का आज आगमन हो रहा है, उसी में हम लोग आए। योगी जी क्या देने आए हैं यहाँ देवरिया? क्या
योगी जी क्या देने आए हैं देवरिया को? लोगों का विकास के लिए बताने आए हैं कि यहाँ पर जल का व्यवस्था होगा, पानी का व्यवस्था होगा, उन्हीं सब के बारे में यहाँ लोगों को जागरूक करने आए हैं। अच्छा, कहाँ घर है आप? मैतालपुर। कौन कौन, क्या नाम है आपका, पूरा नाम क्या है? शिवानी सुलुपकार। योगी जी की क्या ऐसी खास बातें हैं जो अच्छा लगती है? उनका यही अच्छा लगता है कि महिलाओं को मतलब घर से बाहर निकलने का अधिकार दें, बेटियों को पढ़ाएं, बेटों को पढ़ने के लिए स्कूल भेजें, और पहले ये सब नहीं था। एक बात और बताइए हमें कि योगी जी क्या पूरे देश में अच्छे काम कर रहे हैं आपके नजर जी? बिल्कुल बिल्कुल। देवरिया के लिए क्या कुछ दिए हैं 5 सालों में? बहुत कुछ दिए उन्होंने, बहुत। अच्छा, एक काम गिनवा दीजिए। अरे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा वही दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। विकास के मामले में क्या दिया? विकास के मामले में यहाँ का सड़क उड़क जो बेकार था वो सड़क बनवाए हैं। सड़क यहाँ का अच्छा नहीं था, सड़क बना है वो जब से आए हैं। बहुत ज्यादा सड़क भी खराब है, पहले बन चुकी है लेकिन अभी भी खराब है। हाँ, तो अभी भी फिर बना है वो भी। अच्छा, अभी बनवाएंगे या कब तक बनेगा? अब जब तक बन ना जाए तब तक तो कोशिश कर ही रहे हैं, और कुछ वो भी चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द बन जाए। जब तक वो सरकार रहेंगे तब तक वो बनवाएंगे। लोगों के विकास के बारे में हमेशा सोचते हैं, विकास के बारे में। जी बिल्कुल। ये बच्ची लोग हैं, अपना अपना राय दे रही हैं, लेकिन छोटे बच्चों से जानना चाहेंगे। बाबू आ जाइए थोड़ा सा, ये इधर आ जाओ, इधर आओ, थोड़ा सा बात कर लें तुम्हें, लेकिन बच्चे तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो है देखिए बहुत सारे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं। जी बिल्कुल। कितने कितने पढ़ती है? क्लास 10th के पेपर दे दिए हैं। अच्छा, क्लास 10th के पेपर दिए हैं इस साल। अच्छा, कैसा रहा पेपर? बहुत अच्छा रहा जी, सारा हमें लगता है कि सारा पेपर में बहुत अच्छा नंबर आएगा। देखिए भाई, बच्ची जो है पूरी तरह भाजपा ही है, एक तरह से कहा जाए कि मोदी में है, और कही जाए तो पूरी तरह से समर्थन कर रही है योगी आदित्यनाथ जी को, लेकिन छोटे बच्चे हमें नहीं बात कर रहे हैं। यही जाने बाबू क्या नाम है, थोड़ा सा बात करें। अंकित मदेसिया। अंकित मदेसिया क्या कर रहे हैं? योगी जी को देखने आए हैं। योगी जी को देखने नहीं है? नहीं। अच्छा, योगी जी कौन है, क्या करते हैं? योगी जी कौन है? योगी जी ना नेता है। ए बाबू आगे से हट जाइए, आगे से आप लोग हट जाइए। योगी जी कौन है? नेता है। अच्छा, नेता है। उत्तर प्रदेश के कौन? योगी जी, योगी मोदी। योगी मोदी, योगी मोदी कौन है? उत्तर प्रदेश है। मोदी जी का क्या नाम है, पूरा नाम क्या है मोदी जी का? पूरा नाम नहीं। अच्छा, आपने यहाँ प्रधानमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन है उत्तर प्रदेश के? योगी जी। योगी जी हैं। अच्छा, बच्चे तो भाई बहुत तेज लग रहे हैं। देखिए ये कुछ बच्चों से और कुछ लोगों से फीडबैक ले रहे थे, हालांकि यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी आए हैं देवरिया आईसी स्कूल में, और यहाँ बहुत सारे बच्चे थे। आप जानते हैं हम और सारे पुत्रों की तरह काम नहीं करते हैं, बल्कि धरातल पर काम करते हैं। और पीछे एक बार और दिखा दीजिए सर, पीछे थोड़ा सा और दिखा दीजिए। ये देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर लोग आए हुए हैं, हालांकि हम दिखा सकते हैं, थोड़ा कैमरे में देखिए वो दिखाया जा रहा है। और कुछ बच्चों से हमने बात किया, और इस वक्त लाइव हैं योगी आदित्यनाथ जी, और बच्चों से हम जो है कि फीडबैक ले रहे हैं कि बच्चे क्यों आए हैं, बच्चों का क्या इंटरेस्ट है, इसलिए हम लोग ले रहे थे। देखिए टीवी समाचार ऐसे बेबाक खबरों के लिए जाना जाता है, टीवी समाचार सबसे अलग खबर दिखाता है, इसीलिए तो जाना जाता है भाई साहब। तो टीवी समाचार को देखना है तो यूट्यूब बजाकर @TVSamachar लिखें, और लिखकर सर्च करें, सब्सक्राइब करें, बेबाक पत्रकारिता का साथ दें, समर्थन दें। तब तक लेते हैं आपसे अलविदा, देखते रहिए टीवी समाचार। नमस्कार।